नागरिकता संशोधन बिल CAB के खिलाफ जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आज लाडलू के अंदर दलित अधिकार मंच व मुस्लिम महासभा व कई अन्य दलों द्वारा SDM साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बातें जानना चाहेंगे यहाँ के जो दलित अधिकार मंच के अध्यक्ष हरिराम मेरडा उनसे। देखो, हम हमारे संगठन के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से यही मांग करते हैं कि जो NRC बिल और CAB बिल केंद्र सरकार ने लागू किया है, ये एकदम असंवैधानिक है, संविधान पर हमला है ये। और हम इस CAB बिल और NRC बिल का खंडन करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस बिल को खारिज किया जाए, देश हित में, लोकतंत्र के पक्ष में और संविधान के पक्ष में। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा। और क्योंकि एक धर्म विरोधी नीति अपनाते हुए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है, ये देश हित के लिए और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस बिल को खारिज किया जाए। राष्ट्रपति महोदय और मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम से हमें ये ज्ञापन दिया है। जहाँ देश के जो केंद्र के मंत्री हुआ असम में कहते हैं कि वहाँ के जो बांग्लादेश से आए हुए कुछ 5 लाख से करीब बाहर के हिंदू आए हुए उनको बिना डॉक्यूमेंट वहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। वहीं मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं 1971 के पास। जिन मुस्लिमों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। और केंद्र के एक संगठन के गंगोई जी साहब है, उसने कहा है कि अभी भी हमारे पास में 20 लाख हिंदू यहाँ असम में आए हुए हैं और कम से कम अगर ये नागरिकता देते हैं तो 1.5 करोड़ नेपाल से और हिंदू आ जाएंगे और यहाँ हमारे असम में रोज़गार का खतरा बढ़ जाएगा। अगर 1.5 करोड़ नेपाल से हिंदू आते हैं और कुछ पीड़ित मुस्लिम अगर दूसरे देशों से आते हैं तो फिर मोदी सरकार को क्या आपत्ति है? हमारे साथ और भी है मुस्लिम समाज से युवा नेता इमरान खान, उनसे जानना चाहेंगे इस बिल को किस नज़र से देखते। ये जो बिल बनाया गया है संविधान की नीतियों के खिलाफ बनाया गया है। हमने एक पहले ज्ञापन देके भी और आज भी एक ज्ञापन दिया है कि इस बिल को खारिज किया जाए। अगर खारिज नहीं करते हैं तो अगले 7 दिन बाद में एक इससे भी बड़ा आंदोलन और हम करेंगे। किसान अखिल महासभा के भी अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे इस बिल को किस नज़र से देखते। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था असम सरकार को कि आप नागरिक जनगणना करो। उसमें इन्होंने जो वहाँ जनगणना की उसमें 19 लाख इन्होंने मुस्लिम बताए। फिर दोबारा जनगणना हुई तो उसमें 13 लाख हिंदू निकले। अब उनकी व्यवस्था के लगभग जो आंकड़ा निकाला गया है, जिन्होंने निकाला है, तो वो 3000 का जो कैंप्स करेंगे उसमें कम से कम 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस प्रकार से 19 लाख आदमियों की कैसी व्यवस्था होगी? इसलिए ये सरकार जो असंवैधानिक कदम उठाए इसको वापस लिए और आपके सबको समान नागरिकता दें, समान अवसर दें। तो ये बहुत सारे समाज व बहुत सारे संगठन के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर